हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय बेबी केयर। और मैं हूं आपके साथ अर्चना। आज का हमारा टॉपिक है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, यानी कि जो माएँ बेबी को दूध पिला रही हैं, उनको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको अवॉइड करनी चाहिए, यानी कि जिनका उन्हें परहेज़ करना चाहिए अगर वो बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रही है। तो देखिए, प्रेगनेंसी टाइम में हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं कुछ हम ऐसा ना खा लें जिससे बेबी को कोई प्रॉब्लम हो जाए। ऐसे ही डिलीवरी के बाद भी जब हम बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे होते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का जो है ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चा भी छोटा है और उसको इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ है, तो छोटी छोटी चीज़ों से जो है दिक्कत हो सकती है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी टॉपिक पर है। हम बात करेंगे ऐसी 7 चीज़ों के बारे में जो कि आपको बेबी को ब्रेस्ट फीड अगर आप करा रहे हैं उस टाइम पर आपको नहीं खानी चाहिए या फिर अवॉइड करनी चाहिए। सात चीज़ों में से सबसे पहली चीज़ की जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो है कॉफ़ी। देखिए, कॉफ़ी जो है प्रेगनेंसी टाइम में भी मना किया जाता है कि नहीं पीनी चाहिए, ऐसे ही जब आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं इस टाइम पे जो है कॉफ़ी आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि कॉफ़ी में क्या होता है, कैफीन होता है। तो जब कैफीन जो है आपसे जब बेबी को पास होगा तो वो जो है बच्चे में नींद को जो है कम कर देता है, बच्चे को नींद कम आएगी। और जैसे कि आप जानते हैं, स्टार्टिंग में बच्चे बहुत अच्छी नींद लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा देर तक सोते हैं, और अगर आप कैफीन लेंगे यानी कॉफ़ी पियेंगे तो इससे बच्चे की नींद कम होने से बच्चा जो है इरिटेटेड फील करेगा, मतलब वो रोएगा, चिड़चिड़ापन होगा। तो इस टाइम पे जो है आपको कॉफ़ी को अवॉइड करना है। दूसरी चीज़ होती है मिंट, यानी कि पुदीना। मिंट या पुदीना खाने से क्या होता है कि जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, यानी कि जो दूध है वो कम बनता है। देखिए, सभी मदर्स को जो है बेबी को ब्रेस्ट फीड करना चाहिए, कम से कम 6 महीने से 1 साल तक आपको जो है दूध ज़रूर पिलाना चाहिए। तो जब भी आप ऐसी कोई चीज़ें खाएंगे जिसमें मिंट है यानी कि पुदीना है, तो उससे क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन जो है कम हो जाता है। तो आपको बेबी को दूध पिलाना है और अगर आप मिंट वाली चीज़ें खाते हैं तो दूध की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जिससे बेबी जो है भूखा रह जाएगा और फिर आपको जो है या तो फॉर्मूला मिल्क वगैरह जो है बेबी को देना पड़ेगा। तो आप ये नहीं चाहते हैं तो आपको जो है मिंट वाली कोई भी चीज़ जिसमें मिंट हो या पुदीना हो, चाहे वो पुदीने की चटनी हो या कुछ भी है, वो चीज़ें जो है आपको इस टाइम में अवॉइड करनी है। तीसरी चीज़ है चॉकलेट। जैसे कि मैंने कॉफ़ी में बताया था कि कॉफ़ी में जो है कैफीन है, सेम ऐसे ही चॉकलेट बनाते वक्त जो है उसमें कैफीन का इस्तेमाल होता है, यानी कैफीन यूज़ होता है। तो इससे जब आप चॉकलेट ज़्यादा खाएंगे या चॉकलेट खाएंगे तो इससे जो है बेबी को जब वो पास होगा तो बेबी को वही नींद जो है उसकी कम हो जाएगी और बेबी जो है इरिटेट हो जाएगा। तो इस टाइम पर आपको जो है चॉकलेट भी अवॉइड करना है। नेक्स्ट चीज़ है मक्का, यानी कि जिसे इंग्लिश में हम मेज भी बोलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है कि जब आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं और अगर आप मक्का या मक्के के आटे की कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो इससे जो है बेबी को दिक्कत हो सकती है। देखिए, मक्का ऐसी चीज़ है जिससे कई बच्चों को जो है एलर्जी होती है, पर अभी बेबी छोटा है और हम उसे डायरेक्ट वो चीज़ नहीं खिला रहे हैं तो ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि बेबी को उस चीज़ से एलर्जी है या नहीं। तो आप जब ये चीज़ खाएंगे तो आपके दूध से वो चीज़ जो है बेबी को पास होगी और बेबी को जो है पेट की दिक्कत या कोई भी एलर्जी हो सकती है जिसका हमें पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस टाइम पे आपको जो है मक्का यानी मेज को जो है अवॉइड करना चाहिए, यानी कि उसको नहीं खाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगली चीज़ है गार्लिक, यानी कि लहसुन। देखिए, लहसुन के बहुत सारे अपने फ़ायदे हैं, पर इस टाइम पे जब आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं इस टाइम पे आपको जो है गार्लिक यानी लहसुन जो है थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, गार्लिक जो है तो थोड़ा गर्म होता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि बच्चा भी छोटा है। और स्टार्टिंग के टाइम पे मैं अवॉइड करने के लिए कह रही हूँ क्योंकि बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे मैंने बात की, वो अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है, इतनी जल्दी वो चीज़ें पचा नहीं पाता है। तो हमें ऐसी चीज़ें खानी है जो कि बच्चा अच्छे से पचा पाए और बेबी के शरीर के लिए भी अच्छा हो। तो गार्लिक जो है काफ़ी गर्म भी होता है तो ये हो सकता है कि बेबी को सूट ना करे इसलिए भी। और दूसरी चीज़ जो है, गार्लिक में एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, यानी कि उसकी जो गंध है वो काफ़ी तेज़ होती है। तो इसीलिए जब वो बेबी को पास ऑन होगी तो बच्चा कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि दूध जो है वो ठीक से ना पिए, और जब बच्चा ठीक से दूध नहीं पिएगा तो भूखा रह जाएगा और वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, यानी कि इरिटेट हो जाएगा। इसलिए इस टाइम पर गार्लिक को अवॉइड करना चाहिए। अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ है मूली, कॉलीफ्लावर और कैबेज, यानी कि पत्ता गोभी जो होती है और फूल गोभी।
ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी इस टाइम पे आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है गैस बनती है। तो देखिए, आप ऐसी चीज़ें खाएंगे तो बेबी को भी कॉलिक की यानी गैस की प्रॉब्लम आगे जाके हो जाएगी, तो इस टाइम पे अवॉइड करनी चाहिए। जब बच्चा छोटा होता है तो आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसको गैस की या कॉलिक की ही रहती है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ दूध पीते हैं। और इस टाइम पर भी अगर हम ऐसी चीज़ें खाएँगे, मूली, गोभी, कैबेज वगैरह सब खाएँगे, तो इसकी जो दिक्कत है बेबी की वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस टाइम पर हमें ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जो मैंने तीन चीज़ें बताई हैं। इसके अलावा भी कोई भी ऐसी सब्ज़ी है जो आपको लगता है कि गैस बनाती है, आपको आप अच्छे से जानते होंगे किस चीज़ से आपको गैस हो जाती है, वो जो है आपको इस टाइम पे अवॉइड करनी है। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि आपको जो है अपने खाने में हींग का इस्तेमाल ज़रूर करना है, इससे जो भी आपको गैस की दिक्कत होती है वो भी नहीं होगी। आखिरी चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर वो है खट्टे फल, यानी कि जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, और जो भी खट्टे फल हैं आपको इस टाइम पे अवॉइड करना है। देखिए, मैं मानती हूँ कि जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी होता है और ये बहुत अच्छे होते हैं, पर शुरुआत के टाइम पे जब बच्चा भी छोटा है इस टाइम पे जो आपको अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो खट्टे फल होते हैं उनसे कहीं ना कहीं गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये जो है बच्चे को भी हो सकती है इस टाइम पे, तो ये जो आप अवॉइड कीजिए। इसकी बजाय आप खट्टे फलों की जगह ऐसे फल देखिए जिसमें विटामिन सी है पर वो खट्टे नहीं हों, जैसे कि आप पपीता खा सकते हैं या कोई भी ऐसा फल जिसमें विटामिन सी है पर वो खट्टे नहीं हैं। सिर्फ शुरुआत के टाइम पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है फिर आप खा सकते हैं, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विटामिन सी जो है बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो शुरुआत के टाइम पे जब ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि खट्टे फलों का जो है थोड़ा सा परहेज कीजिए या अवॉइड कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये तो सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपको जो है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे जो है अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जब आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो आपको जो है बाहर की चीज़ें या फिर जो बहुत ज़्यादा तेल वाली चीज़ें होती हैं या बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें होती हैं वो जो है इस टाइम पे अवॉइड करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो है आपकी बेबी को ही अफेक्ट करेंगी। तो इन चीज़ों को आपको जो है अवॉइड करना है। इसके बदले जो है हेल्दी डाइट लीजिए, अच्छे से फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, दलिया खाइए, दालें खाइए। इन सबसे क्या होगा कि एक अच्छा न्यूट्रिशन जो है बेबी को पास ऑन होगा। तो ये सारी चीज़ें खाने से बच्चा जो है हेल्दी होगा। और कई लोग बोलते हैं कि बेबी हमारा जो है उसका वेट नहीं बढ़ रहा है या फिर बेबी हेल्दी नहीं है, तो आप जब अच्छी चीज़ें खाएंगे तो आपके बेबी का ऑटोमेटिकली जो वेट है या उसका हेल्थ जो है अच्छा होगा। तो इन चीज़ों का जो है आपको ज़रूर ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।